मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फर्स्ट एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। बेटे, एज यू नो, वी हैव डन 10 चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 11। सो गेट रेडी क्विक, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर 11। सी बेटा, ऑन पेज नंबर 41 इट इज योर चैप्टर 11। द नेम ऑफ चैप्टर 11 इज यूज ऑफ हैज और हैव। Today we will discuss about use of has or have. In my previous video we have discussed about use of am is are. हमने previous video में am is are के बारे में discuss किया था कि हम is कहाँ use करते हैं, am कहाँ use करते हैं और are कहाँ use करते हैं। Today हम discuss करेंगे बेटा has और have के use के लिए, ठीक है? तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड रीड विद मी। हैज एंड हैव आर यूज टू शो व्हाट वन हैज। हैज और हैव का यूज किसी के पास क्या है यह बताने के लिए किया जाता है। वी यूज हैव विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउंस। हम आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं और ये बेटा प्लूरल होते हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं नाउन जब प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वी यूज़ हैव विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। जब नाउन सिंगुलर होता है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नाउन जब सिंगुलर होता है तो हैज़ यूज़ करते हैं और प्लूरल होता है तो हैव यूज़ करते हैं। सी एग्जांपल्स, शी हैज़ अ डॉल, ही हैज़ अ बाइसिकल। सिंगुलर है ना दोनों, तो दोनों के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। यू हैव अ कैट, आई हैव एन अम्ब्रेला। प्लूरल है दोनों तो अपन हैव यूज़ करेंगे। गॉट इट? नाउ रीड सम मोर सेंटेंसेज। ये सेंटेंस हम रीड करेंगे, बस आप यूज़ ऑफ हैज़ और हैव देखेंगे। शी हैज़ अ स्टोरी बुक, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, ही हैज़ अ ब्लू कार, अ टेबल हैज़ फोर लेग्स, द माउस हैज़ अ टेल, आई हैव अ न्यू टॉय, वी हैव अ कार, यू हैव अ बाइसिकल, दे हैव मैनी टॉयज, एनिमल्स हैव फोर लेग्स। नाउ टर्न द पेज। सी बेटा, ऑन पेज नंबर 42 हियर एक्सरसाइज इज गिवन टू यू, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। हैज़ और हैव यूज़ करके आपको ये फिलअप्स फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो देखो, इट हैज़ सिंगुलर है ना, तो इट हैज़ अ बिग ग्राउंड, इट हैज़ मैनी क्लासरूम्स, इट हैज़ अ कैंटीन, इट हैज़ अ स्विमिंग पूल। ओके बेटा, नेक्स्ट दिस इज अ काउ, तो अ काउ हैज़ सिंगुलर है ना फोर लेग्स, इट हैज़ वन टेल, इट हैज़ टू हॉर्न्स। सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। नाउ सी, चिल्ड्रन न्यू बैग्स, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव। चिल्ड्रन हैव न्यू बैग्स, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव यूज़ करेंगे। दे हैव बुक्स इन दियर बैग। टीचर्स प्लूरल हैव नोटबुक्स इन दियर हैंड्स। टिक द करेक्ट वर्ड टिक करना है आपको। देखो, नेहा सिंगुलर है तो हैज़ अ न्यू टॉय। द हाउस सिंगुलर हैज़ अ स्मॉल डोर। आई प्लूरल हैव एन एप्पल। माय नेबर सिंगुलर हैज़ अ वाइट कार। ओके बेटे, सो आई होप यू अंडरस्टूड यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। आपको हैज़ और हैव का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं।
हैज़ का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और हैव का यूज़ प्लूरल नाउन के लिए करते हैं. गॉट इट? व्हाट यू विल डू इन योर नोटबुक, नोटबुक में आप क्या करोगे, चैप्टर 11 डालोगे, हेडिंग यूज़ ऑफ हैज़ और हैव. उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ठीक है बेटे, ये 3 पॉइंट्स आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे. देन आफ्टर पॉइंट्स लिखने के बाद आप दिस एक्सरसाइज बी यू विल डू इट इन योर नोटबुक. ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करोगे. ओके बेटे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.